The app available from the App and Play Store. It is 1:15 on Sunrise, and here we are. I would like to welcome, extend a very, very warm welcome to Fab Four, Mr. Fab Two, Filhal Gillia and Webber. <Veibh>, welcome <laughs> to Sunrise Radio. How are you guys? Thank you for calling. Thank us you, you so part. much. Good. Thank I you so much. We came here, and you called us, and we came here. We came here. मतलब जो फैफ़ फोर में फैफ टू आए हैं बिल्कुल तो अभी आपको इससे ये जो अभी शुरुआत होने जा रही है ना ये आप अंत तक ख़त्म होते होते आपको पता चलेगा कि ये जो ये अभी दो ही आए हैं अभी दो और बच्चे आने <laughs> तो जो फैफ फोर का धमाल होने वाला ना पहले ही मैं बोल देता हूँ खूब मजा करने वाले हैं हम शोज़ में और बहुत बहुत मजा आने वाले अरे सबको बहुत मजा आने वाला है इस वीकेंड से आपका टूर शुरू हो रहा है सो लेट्स टॉक अबाउट इट नाउ फर्स्टली आई थिंक वी हैव अ लिटिल बिट ऑफ एन अनाउंसमेंट विद रिगार्ड्स टू योर लेस्टर शो जो कि लेस्टर शो नहीं हो रहा तो प्लीज एक्सप्लेन <coughs> कीजिए कि वो क्यों नहीं हो रहा ये एक्चुअली uh, बहुत अनसर्टन था mm. हम किसी हमको पता ही नहीं था ये थोड़े से थोड़ी सी गड़बड़ uh, एयरलाइंस की तरफ से हो गई मिसकम्युनिकेशन uh, हो गई mm. हम लोग एयरपोर्ट पहुंचे एवरीथिंग वाज ऑन प्लान एंड जो दुबई में जो हो रहा है राइट mm -hmm. right, हमारा फ्लाइट mm -hmm. uh, जो प्लान था कि दुबई में जाता दुबई से फिर हम कनेक्शन फ्लाइट टू यूके आने वाले थे

एकदम प्रॉपर वो बाल वाल सेट करके एकदम वो एयरपोर्ट लुक लेक बना के गए थे और हमारी फ्लाइट कैंसिल हुई और हम घर पे थे तो एक्चुअली मैं कानपुर से आया था तो म, मुंबई से तो हमारी फ्लाइट थी तो मैं तो अंजना दीदी के घर पे रुका मतलब जो अंजना और मेनू का जो फैब फोर में और दो परफॉर्म कर रहे हैं वो तो अंजना दीदी के घर पे था मैं और हम लोग घर पे आए हमने सोचा कि हम बड़े खुश होके गए थे यार हम वापिस होके आगे तो हम बड़े उदास भी हुए वो मूड ऑफ हो है हो हाँ actually. लेकिन हमको बोला गया था कि हो सकता है कि

Uh, is a जैसे आप हम अभी अभी बात, बात कर, कर, रहे कर रहे थे तो ये जो रफी साहब थे hmm. किशोर दा थे hmm. मन्ना डे जी थे जी. और ये जो मुकेश जी थे जी. ये सब जो थे लता माँ ये सब रूल करते थे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने एक सपना मतलब मैं सोचता था कि कब वो वक्त वापस आएगा कि ये वापस से लोग वापस से देख बैक टू तेरा तो इन सब गानों को कब को जानू मेरी जान मैं तेरे कुर्बान तो बस उस दिन यही होने वाला है अरे वाह का को जैसे हम लोग हम लोग भी बोलते थे कि हाँ इसमें इस लता माँ की छवि है जी तो जी। और ऐसा हम लोग को ऐसा फील हो रहा है कि उस दिन कुछ कुछ अलग जरूर होगा special. मतलब कुछ स्पेशल है hmm. और हमको वो फील भी हो रहा है hmm. और हम देख पा रहे हैं कि उस दिन लोग झूमेंगे नाचेंगे गाएंगे और दे विल फील कि जो एक सच्चा म्यूजिक है ना एक अच्छा म्यूजिक सच्चे सुर होते हैं ना yes. वो खुशियां लाते हैं लोगों के और जरूर आएगी उस दिन और आई थिंक आपकी एनर्जी ही बोल रही है वो तो वो सबसे बड़ी बात है कि जो आपकी एनर्जी और उनकी एनर्जी टिकस आउट मतलब लोग हमें इतने प्यार कर रहे हैं एग्जैक्टली टोटली रेडी कि आप सबको एक हम ये भी देखे आपकी इंडियन आइडल की जर्नी कैसे रही तो आई थिंक शुरुआत से शुरू करते हैं शुभोदीप यू आई थिंक जस्ट ऑफ है आप मेरे को एक स्टोरी बता रहे थे आपके पहले इंडियन आइडल के तो वो हमारे लिस्नेस को बताइए एक्चुअली ये आइडल की मेरी इस साल की स्टोरी भी थी Uh, मैं इस सीजन के पहले uh, सीजन इलेवन में आ चुका था जिसमें सनी वॉज तो yes. हम दोनों रू रूम मेट ही होते थे डेढ़ दो महीना हम लोग एक साथ ही थे तो मैं आई वाज देर इन टॉप इलेवन तो फर्स्ट एलिमिनेशन हुआ आई थिंक हिस्ट्री ऑफ कोई रिलेटिव शो में पहली बार हुआ था कि पहला एलिमिनेशन में टॉप टेन हो गया hmm. राइट अगर आप लोगों को याद है जिन्होंने दिखा है उस सीजन को yes. तो मैं उसमें था मैं एलिमिनेट हो गया था और मैं वही लड़का था जो राहुल देशपांडे सर के साथ दिल की तपिश जो बहुत वायरल हुआ है अभी भी yes. वायरल हो जाता है वो गाना वही मैं बिना मूछ कुछ भी नहीं था क्लीन <laughs> शेप्ड अभी तो मूछ फूसदारी वाली तो मैंने आ गई तभी भी थी पर तो मैंने थोड़ी सी कम उम्र दिखाने के लिए मैंने काट लिया ना खैर अच्छे नहीं आती थी मेरी दाढ़ी तो अभी उसके बाद क्या हुआ कि न, दो साल हो गए न, तो मीन वायल में सुपर सिंगर बोल के कंपटीशन था उसमें गया उसमें मैं अनफॉर्चुनेटली मैं हर बार बोलता हूँ मैं जीत गया न, मेरे को जीतना समझ नहीं आता प्रोसेस नहीं कर पाता हूँ अभी उसके बाद इस बार आइडल आने का पर एक चीज़ दिमाग में ना मेरा घूम रहा था कि मैं टॉप इलेवन से निकल गया था इट वॉज गोइंग लाइक कि, कि ये, ये एक बार फिर से जाना चाहिए मुझे जाना चाहिए लोगों को मेरा म्यूजिक फिर से एक बार सुनाना चाहिए तो इस बार मुझे मौका मिला और मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था कि क्या होगा क्या डर हो हो तो था बहुत क्योंकि मैं सुपर सिंगर जीत के आया था yes. एक ही महीना घर बैठा था मैं <laughs> तुरंत डेढ़ महीने बाद बट सब कुछ अच्छा हो गया अरे अब तो इतना प्यार मिल रहा है आप लोगों को और वैभव आप अपनी जर्नी के बारे में बताइए देखिए मेरी जर्नी तो मैं कानपुर शहर से हूं हमारे कानपुर शहर में कहते हैं ना भोकाल <laughs> तो मैं एक प्रॉपर एक भोकाल लेके आया था अपनी आवाज में वो वो रुबाब मतलब जो होता है ना वो हस मैं एक जो जैसे बोलते हैं वो सुखविंदर सिंह पाजी की आवाज़ में नहीं एक मिट्टी की आवाज़ है सो yes. so, मैं आपको सच बताऊं तो मैं पांच साल से आइडल ट्राई कर रहा था आई एम ट्राइंग मेनी मोर रियलिटी शोज तो एक्चुअली मैं मैं मेरे अंदर ये था कि सिर्फ मेरे को ऐसा लगता था कि क्या रियलिटी शोज़ में अगर नहीं होगा सिलेक्शन hmm. या नहीं जीतूंगा तो क्या कोई जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता तो मतलब पापा मैंने जो भी है मैंने रियलिटी शोज किए सो एक्चुअली रियलिटी शोज मेरे लिए क्या था कि कई बार आ, हम चाहते हैं कि हमारी आवाज़ दुनिया वाले सुने मतलब जैसे कभी मैंने मेरे सपने में भी नहीं सोचा था आई विल yeah, मैं लंडन आऊंगा आई शोज इन लंडन यूएस तो मैं इतनी दूर अब मेरी आवाज़ आ गई मैं सोचता हूँ कि यार मैं दस घंटे लगे मुझे फ्लाइट में आने में और मैं इतनी दूर तक मेरी आवाज़ आ गई है मतलब मैंने एक स्टेज से गाया और मेरी आवाज़ इतनी दूर आ तक तो ये एक्चुअल पावर है रियलिटी शोज की और आइडल जैसे स्टेज की यही ताकत है तो मैं स्टेज की बहुत इज्जत करता हूँ बहुत प्यार करता हूँ उसे और मेरे पापा के लिए मैंने किया ये सब और मैं आपको भी बड़ी मैंने मैं बताई नहीं है किसी को मैं बताता हूँ मैं जर्नी आइडल की बढ़ रहा था आगे तो पापा नाराज़ हो गए थे कि पता नहीं कब होगा और सिलेक्शन हो ही नहीं रहा है इतना अच्छा गाने के बावजूद ये वो तो मैंने कहा ठीक है पापा तुम मत चलो मैं अकेले मैंने पूरी जर्नी की मैंने लखनऊ में ऑडिशन दिया मैं मुंबई आया फिर मैं सेलेक्ट होता गया होता गया लेकिन मेरे खुशी आई नहीं।, नहीं कि मतलब यार ये तो हर बार होता है फिर मैं अभी बाहर हो जाऊँगा लेकिन मैंने ये इस बार सोच लिया था कि कुछ भी हो मैं ऑडिशन गाऊंगा तो ऐसे गाऊंगा कि बस आखिरी बार गा रहा हूँ oh और मैंने हमका पीनी गाया था yes. और मैंने उसको पूरा चेंज करके गाया था <laughs> और विशाल सर चौंक गए थे उनको नहीं लगा था कि ये लड़का इतनी बुलंद आवाज से कोई निकल के आएगा <laughs> <laughs> तो मैंने मैं गया मैंने ऐसे मजाक किया कि सर विशाल सर ने जोक मेरे से करा कि वैभव तुम्हें तो कहीं देखा हुआ है hmm. मैंने मैंने कहा भी कर दिया मजाक hmm. मैंने मैंने कहा भी आपको देखा हुआ, आप मिला मैं. <laughs> <laughs> तो उनको लगा ये थोड़ा मजाक वाला है. Hmm. फिर मैंने जैसे ही प्रेम गली है तो मैंने जैसे धरा उन्होंने, उन्होंने शौक, <laughs> क्या बात है तो मतलब मेरे जजेस का प्यार मिला

वो शो के लिए एक एंडिंग पार्ट होता है नॉट hmm. फॉर हमारे लिए तो वो स्टार्ट है एग्जैक्टली exactly. सो yeah. so, जीतना बेस्ट कोई खराब हो जाता है जो सेकंड या शुभदीप भैया जैसे तो मैं अब सच बताऊं तो मैं शुभदीप भैया से क्लासिकली कमजोर हूं hmm. मतलब मैं क्लासिकली भैया से सीखता हूं hmm. लेकिन <laughs> अगर मैं <laughs> नहीं नहीं मतलब सच में मैं भैया से क्लासिकल <laughs> बस बस कोशिश करता हूं सीखने की तो बट मैं जीता और शो जो भी है तो जैसे मैंने बोला इट्स स्टार्ट yes. तो अभी ये स्टार्ट है और ये जो धमाल अभी चल रहा है जो धमाल चलता रहेगा और हम अम... हम आएंगे फिर से लंदन हमारा बहुत भी बहुत बड़े शोज होंगे इमोशनल <laughs> है क्योंकि मैंने पूरी फैमिली को मैं जब जीता मेरी पूरी फैमिली रो रही थी और मेरे आंखों में आंसू नहीं थे मेरे ऊपर ऐसा लगा की बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई है क्या, <laughs> आ, <serious laughs> मैं, मैं क्या थो, है? हो गया एकदम से एकदम से मतलब ये हाँ मतलब मैं पूरा शो कर लिया मैंने रियलिटी बता रहा हूँ मैं जब मैंने जब वो जिस जो ब्लेजर एजर पहना हुआ जब मैं वो पहन रहा था hmm. तो मुझे एहसास हुआ कि यार ट्रॉफी मिलनी है अभी oh. पूरे एंड में एक्चुअली oh. uh, uh. <laughs> yeah. लगा की ओ ट्रॉफी शुभदीप चौधरी एंड गुप्ता शुभदीप आपका नाम मैं ठीक से प्रोनाउंस कर रही हूँ या नहीं आई एम सो yes की yes, यस <laughs> yeah. pronouncing यूर प्रोनासिंग प्रोनाउसिंग प्रॉपरली finally somebody से शुभादीप <laughs>

महफिल जमाते हैं यहाँ पे स्टूडियो में चलो जी Uh, तो क्या गाएं कुछ भी कुछ Random? भी एनी थिंग एनी थिंग यू वॉन्ट ये आपके लिए आप आर्टिस्ट हो कलाकार हो क्रिएटिविटी आपके हाथ में है फ्रीडम आपके हाथ में ऑल अप टू यू मुझे एक गाना बहुत पसंद है अरिजीत सिंह का जी. तो जिसका मैंने कॉवर कॉवर भी किया था वो दो दिन में चार लाख व्यूज आ गए वायरल एकदम हाँ. hmm, वे कमले वे कमले आ वे कमले आ मेरे नादान दिल दो नैनों के पेचीदा सौ गलियारे इनमें खोकर तू मिलता है कहा तुझको अंबर से पिंजड़े ज्यादा प्यारे उड़ जा कहने से सुनता भी तू है कहा गल सुन ले आ गल सुन ले आ वे कम ले आ, मेरे नादान दे wow. oh my God. Wow. That was that was mind blowing absolutely mind blowing Thank wow you, that was so good oh my god um vebov over to you to uh, mai i so mai apne idol ka gana sunata hu sukhwinder singh ji ka ji hmm, pagal manwa kaise bha ਪਾਗਲ ਮਨਵਾ ਤਾਂ ਬੜੀ ਤੋਂ ਨਾਚ ਲੂ ਨਾਚ ਲੂ ਨਾਚ ਲੂ छप्पन तारे तोड़ नाच लूँ सूरज चंदा मोड़ नाच लूँ अब तो ताबड़ तोड़ नाच लूँ मैं तो बन जा रहा बन के आवारा मैं किस मेले में पहुँच गया हूँ कोई तो रोको खो जाऊँ रे दिलहारा रे दुल्होरा हारा, हारा, हारा मैं यारा Wow, my God! ऐसे लग रहे हैं हो रहा है आज तो ब्यूटिफुल स्टनिंग। नाउ जस्ट गोइंग बैक टू योर जर्नी ऑफ इंडियन आइडल आपको सबसे ज्यादा कौन से एपिसोड में इंजॉय uh, करा आपने uh... एपिसोड्स बोल अगर मैं बोलूंगा तो बहुत सारे होंगे क्योंकि एक चीज मैं हमेशा बोलना चाहूंगा कि अभी तक बिलीव नहीं होता कि मैं ऐसे अंदर गया, तो सामने श्रेया घोषाल बैठी हुई मॉडल इंस्पिशन टू ऑल जनरेशन स्पेशली अभी जो न्यू बॉडीज आ रही है उनके लिए तो वो डीवाम इज श्रेया घोषाल तो उनको मैं ऐसा दीदी बोल सकता हूँ और क्या चाहिए like हमारी प्यारी दीदी हाउस स्वीट हाउस स्वीट डे वन में तो मैं जब पहला ऑडिशन में गया था मैं एक थोड़ा सा उसके पहले कुछ बोल देता हूँ कि जब मैं अमी जो तुम्हारा गाने के लिए गया था मैं कुछ एक्सपेक्टेशन किया नहीं था क्योंकि था हाँ मन में पर डर भी था कि अगर मैं सिलेक्ट नहीं होता तो फिर अभी सुपर सिंगर चैंपियन बन के आया तो <laughs> बहुत गजब <पेज़ती> <laughs> वो एक्सपेक्टेशन होती है ना हाँ। अपने आप के लिए स्पेशली फिर एंड तक मैंने देखा कि और नहीं कर पाऊंगा मैं और झेल नहीं पाऊंगा तो <laughs> मैं इतने ये, ये वो सरगम फलाने टिमकाना है गाने में सब भूल जाऊंगा कहा सुर चला जाएगा तो वैसे ही निकल जाऊंगा मैं तो मैंने थॉट की छोड़ दो भाई नहीं होगा चुपचाप शांति से जाओ गाना गा <laughs> मैं जैसे अलाप लिया देखा श्रेया दीदी शाउटिंग और एक तो उनका गाना है राइट <laughs> right? आने yes, के लेजेंड यस यस और उनका वर्जन और पॉपुलर है <laughs> कब से सब जानते तो चाहे पता नहीं सब कुछ सही हुआ नेक्स्ट लेवल हो गया फिर तो आगे आगे एपिसोड गया जितना गया कि छाप तिलक बोल के गया, मैंने गया, एक सू, सूफी गाया था उसमें दीदी आ गई थी स्टेज में yes. देन आई दीदी इसलिए बोलता हूँ उनको बोला कि मैं आपको से दीदी बोलता so हूँ क्योंकि उनका वो एग्जैक्टली exactly मेरी दीदी जैसा दिखती है उनकी हाइट उनके चेहरे उनके इधर पे एक डिम्पल आती है वो भी एग्जैक्टली exactly. <laughs> तो ऐसे बहुत बार वो स्टेज में आए मुझे हक किया उन्होंने बाकी उन्होंने जो उस्ताद बोलते हैं मुझे ये सब मैं मानता नहीं हूँ क्यों? ये उस्ताद, हाँ। उस्ताद। तो वो बहुत ही ज्यादा खुशी होती है कि बहुत समय लगता है ऐसे एक बड़ी हस्ती के से कुछ सुनने के लिए राइट बिल्कुल तो बिल्कुल। दीदी के दीदी के हर एक चीज को मैं सीरियसली लेता हूँ

तो वो गाने के सर ने मुझे हक किया मुझे तुझे कोई नहीं रोक पाएगा वो भी मैं सीरियसली नहीं लेता हूँ क्योंकि रोकने के लिए बहुत होगा अगर हम लोग वर्क नहीं करेंगे तो आ, बहुत बड़ी बात है कि और उन्होंने हक करके मुझे कान में बोला तू अमी तो के नहीं जाओ मैंने

कमेंट एक, एक बार मैं, उनका कमेंट आया मैं दो दिन बाद रिप्लाई 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 किया किया कि मैं 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 में बहुत खराब <laughs> दीदी, oh, दीदी like, जजेस जो, मतलब, जो है जो इतने बड़े बड़े कलाकार है आपको जब इंस्टाग्राम पे लाइक करते हैं मोटिवेट करते हैं लाइफ में मोटिवेट करते हैं हाँ ये सच में मतलब अभी मेरा गाना दिलहारा था जो mm. जिसमें मेरे सुखविंदर सिंह जी ने जूते उठाए थे yes, तो मेरे शूज उठा लिए थे yes. तो एक्चुअली वो गाना यूट्यूब पे भी बहुत वायरल हुआ और इंस्टाग्राम पे भी mm. तो मैंने वो डाला था तो इट्स अबाउट टू थ्री मिलियन सभी तो उसमें आयुष्मान खुराना और जो भी मतलब बड़े, बड़े बड़े सिंगर्स थे उन्होंने mm. सबने लाइक किया तो उसमें लोग ये बोल रहे थे कि आंख बंद करके सुनो ये सुखिंदर सिंह जी की तरह एक एक टेक्सचर आ रहा है एक यूनिक तो ऐसा लगता है कि मतलब जब मैंने वो गाना गाया था तो विशाल सर ने स्टार्ट करने से पहले मेरे से कहा था क्या गा रहे हो तो मैंने बोला सर दिल हारा कहता फोड़ दोगे तो मुझे ऐसा लगता है कि बस यही चाहिए मतलब जिनको मैं जो जि मेरे जजेस थे उन्होंने बोल दिया कि फोड़ दोगे तो फिर फोड़ दोगे एक्चुअली मैं ही फोड़ ही दोगे एकदम फिर मैंने done. जो गाया है जा yes. मोटिवेशन आ जाता है absolutely, absolutely. और मुझे ऐसा लगता है इस जर्नी में मैंने जो भी परफॉर्मेंस गाई है hmm. मैंने अपने आप को हर मैंने अपने आप को एक तरह से क्ले क्ले बना रखा था मतलब जिस जैसा गाना था मैं अपने आप को मोल्ड करने की पूरी कोशिश करता hmm. था और मैं वही वही मतलब मैंने बहुत सारे ऐसे गाने मैंने स्टार्टिंग करी पी नहीं है, पी नहीं है और मैंने गाया मैं रहूं ये गाना गाया तो ये भी बहुत वायरल हुआ था उसमें सारे जैसे मत करो ना पूरा गाना सुना के दिखाओ प्लीज अच्छा अच्छा ऐसे मत करो बहुत अच्छा गाया था हम्म जहा मैं कहीं भी रहूं तेरी याद साथ है <laughs> कहने को साथ अपने एक दुनिया चलती है पर छुपके इस दिल में तन्हाई पलती है बस या हाथ साथ है teri ya ओ माय गॉड मजा आ गया आज मजा आ गया इट्स सो नाइस टू हैव बोथ ऑफ यू इन द स्टूडियो शुभदीप एंड वेब गुप्ता थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इनटू द स्टूडियो टुडे बहुत बहुत अच्छा लगा आप दोनों से मिलकर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं, मैं मैं हम लोग ऑफ के बारे में बात कर रहे थे ना मैंने इस जगह को देखा है जब Oho. मैं सीजन 10 में उतना हाँ. तो हम लोग सभी देखते हैं मोबाइल में देखते हैं घर में बैठ के राइट This <laughs> is I don't so know when I Circle of life. <laughs> Circle of Man life. An Ali and manifestation, manifestation is the biggest thing. Thank that you is for calling us. Thank, for thing. For Thank you for being here today. Thank you so much. And just a quick reminder of your shows that yeah. are happening. We, of course, spoke about the Leicester show, which unfortunately, due to unforeseen circumstances, yeah. got cancelled. However, Friday, April 26th, Bolton Manchester is happening. Saturday, April 27th, Beck Theatre Hayes. Limited tickets are left.

हसाएंगे, हसाएंगे, हसाएंगे भी, भी और नचाएंगे भी, नचाएंगे भी। और इतनी क्रिएटिविटी कराएंगे कि आपको लगेगा वाह वाह और हाँ मैं एक सरप्राइज भी है मेरी परफॉर्मेंस में एक सरप्राइज है वो मैं वहीं पर बताऊंगा तो आप सब सरप्राइज बहुत वहीं पर बताऊंगा फटाफट टिकट बुक करें और आइए हम आपसे मिलने के लिए हम खुद एक्साइटेड एक्साइटेड है कि आप लोग कैसे थैंक यू सो मच का The app available from the App and Play Store.